हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये जला हुआ कुकर कैसे साफ करते हैं बिना मेहनत के, वो आपको बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस जला हुआ कुकर को साफ़ करने के लिए मैंने कुकर में पानी ले लिया, बहुत सारा पानी जहाँ तक जला हुआ है, और गैस पर रख दिया। गैस ऑन कर दिया मैंने। अब मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ मिलाऊंगी, एक पैकेट शैम्पू, और कुछ नहीं। सिर्फ एक पैकेट शैम्पू से आप इस कुकर को बिल्कुल बिना मेहनत के चमका सकते हैं। मैंने डाल दिया शैम्पू को, और कुछ नहीं डालना है। और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही गर्म करेंगे। 10 मिनट बाद हम इसे साफ करेंगे। दोस्तों, अब 10 मिनट हो चुकी हैं। देखिए पानी कितना काला हो गया। अब गैस ऑफ करेंगे और इस पानी को हम एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे या फिर फेंक देंगे। ये गैस बंद कर दिया। पानी को हम ट्रांसफ़र कर लिया एक बड़ा सा बर्तन में। और कुकर का ये हिस्सा भी देखिए कितना गंदा है। ये इस पानी में 5 मिनट्स डुबो कर रखेंगे, 5 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, चलिए सफाई करते हैं। कुछ नहीं लेना है, इसको ब्रश से ही साफ हो जाएगा। ऐसा साबुन लगा दिया, बर्तन साफ करने वाला साबुन। देखिए कितना साफ हो चुका है। चलिए आप वॉश करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने वॉश कर लिया, ये पीछे का हिस्सा है, कितना साफ हो चुका है। देखिए आपका कुकर कभी जल जाए तो इसी तरह आप साफ करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।